I have support large family, but income is very small due to poverty. Job है नहीं, मैं well educated बंदा हूँ, MPhil मेरी education है। हम बच्चे को इंतजार से दे के आते हैं घर में कि हम रोजी लेके आ जाएंगे, वो भूखे सो जाते हैं, कभी काम है कभी नहीं है। अब अल्लाह ही है जो निजाम हस्ते चला रहे हैं, बाकी हुक्मरान है वो आपके सामने ही है। अभी तकरीबन इतला ये आ रही है कि 300 रुपये का जो है पेट्रोल जा रहा है। ये भी हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स है, पहले ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, अभी पेट्रोल की वजह से हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहद लियाकत, आप देख रहे हैं चांद टीवी पर हवा अमाम। जैसा कि आप जानते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ हुकूमत एक और आवाम पर पेट्रोल का बम गिराने जा रही है। महंगाई में पिसती हुई आवाम का क्या हाल होगा? ये हुकूमत महंगाई कम करने का नाम ही नहीं ले रही, आवाम के घर के चूल्हे तक नहीं जल रहे, तो आवाम का क्या रहे है, आवाम का क्या रद्द अमल है? आए आपको दिखाते हैं कि आवाम क्या रद्द अमल रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बताएं कि पेट्रोल पहले से ही महंगा था, तो हुकूमत एक और आवाम पर पेट्रोल का बम गिराने जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। हमें इसके बारे में ये कहूँगा कि गरीब जो आवाम जो है ना, वो दिन ब दिन जो है ना कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन जो है ना पिसता जा रहा है, हर रोज़ जो है ना महंगा होता जा रहा है, कभी 22 रुपये कभी 23 रुपये जा रहा है, और अभी तकरीबन इतला ये आ रही है कि 300 रुपये का जो है पेट्रोल जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गरीब के लिए मुश्किल बात है। और क्योंकि हर चीज़ महंगी होती है, जब पेट्रोल महंगा होता है ना हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि किराए बढ़ते हर चीज़ महंगा होता है, आटा महंगा होता है, सब कुछ महंगे होते हैं ना, गरीब आवाम के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस हम क्या बोले, ये भी हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स है, पहले ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, अभी पेट्रोल की वजह से हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, बस अभी क्या करें। आपकी बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह होगी तो आप किस तरह गुजारा करेंगे? बस अभी हमने तो साइकिल ले लिया है, उसी पे गुजारा कर रहा हूँ, बाइक को हमने बेच दिया है, गाड़ी था नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जी आप बताएं कि पेट्रोल पहले से ही महंगा था, तो आवाम पर एक और बम गिरने जा रहा है पेट्रोल का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सर हमारे तो घर के चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं महंगाई में, अपन क्या करें हम। आई हैव सपोर्ट लार्ज फैमिली, बट इनकम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू पॉवर्टी। जॉब है नहीं, मैं वेल एजुकेटेड बंदा हूँ, एमफिल मेरी एजुकेशन है। अब रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, मुल्क में डिसिप्लिन नहीं है, इतने क्राइसिस हैं, क्या करें। हर बंदा चाहता है कि प्रॉस्पेरिटी हो, अब प्रॉस्पेरिटी कहाँ से लाए? अब बच्चों वो हम बच्चे को इंतजार से दे के आते हैं घर में कि हम रोजी लेके आ जाएंगे, वो भूखे सो जाते हैं, कभी काम है कभी नहीं है। अब अल्लाह ही है जो निजाम हस्ते चला रहे हैं, बाकी हुक्मरान हैं वो आपके सामने ही हैं, एक दूसरे से बैसे मुबासे में तंज कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, हम भूखे मर रहे हैं, काम है ही नहीं, देखो सुबह से शाम हो गई है, इस वक्त भी बैठे हैं, अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं। तो इस महंगाई का क्या हाल है, कैसे कंट्रोल की जाएगी? अब ये तो हुक्मरानों को चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इनको वोट ही ना दें, जब हम इनको वोट ही नहीं देंगे ये इलेक्टेड नहीं होगी, इनको पता चलेगा ना रोड पे वो कैसे लाइन बनाई जाती है और किस तरह के आटे के पीछे हम जिले लोग खार होते हैं, इनको पता चले में महंगाई क्या होती है, दर्द उसको होता है जिसको तकलीफ होती है। ये तो बैठे हैं एसीओ में, बंगले में, हीटरों में बैठे हैं, इनको क्या पता है गरीब चीज़ क्या होती है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ तो कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच कर आवाम को खिलाऊंगा, तो आप इसमें तुम्हारे बेच के मैं आटा लूंगा, उसने यूँ कहा था, उसने आपकी गलत फहमी हुई है कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, वो कपड़े हमारे बेचेगा, वो आपने नहीं बेचेगा, वो हमारे कपड़े बेचेगा वो। एक तो ये आईएमएफ से इन्होंने वादा किया है, वो देखें अगर इनको कुछ मिल जाएगा तो ये खा लेंगे, अपने बैंक में उधर भेज देंगे, फिर वो जूँ का तू जो बचा कुचा, ये दिवाली हो जाएगा जैसे श्रीलंका में हो, ऐसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा? वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ तो कहते हैं कि महंगाई करना मेरी मजबूरी है, दावे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जो पहले जो आपको देख लो कि पाकिस्तान में गुरबत की लकीर पहले से भी डाउन हो रही है, 0% हो गई है, कहाँ रह गए, कुछ को काम नहीं है, इस बंदे से छोटा बंदा नहीं, सनतकार, ताजर, मार्केट वाले, बाजार वाले, सनत, हर बंदा हाकर, तो मांगने वाले भी तंग है, मांगने वालों को भी भीख नहीं मिल रही आई, हर बंदा परेशान है। ये अल्लाह ही है जो निजाम हस्ती चला रहा है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। अब मुल्क जो है ना वो जीरो पे चला गया है, गैलप रिपोर्ट देख लें, गैलप रिपोर्ट देख लें, सब इसका तखमीना उठा के देख लें, बिल्कुल डाउन जा रहा है पाकिस्तान। अब अल्लाह ही है जो निजाम हस्ती चला रहा है, बाकी इनके बस की बात नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आवाम परेशान है आपके सामने। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बताएंगे कि पेट्रोल पहले से ही महंगा महंगा था, अब मजीद महंगा हो रहा है, 300 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में पता क्या है, महंगा मैं कहता हूँ और भी हो जाए ना, अगर 1000 रुपये भी पेट्रोल चला जाए, जो पाकिस्तानी आवाम है उसने फिर भी ले लेना है, ठीक है। तो पहली बात है ये क्यों महंगा हो रहा है, ये अपनी गलतियों की वजह से महंगा हो रहा है। अपनी गलतियों से कैसे महंगा हो रहा है, हमारे हुक्मरानों ने जितने भी यानी पाकिस्तान में सियासतदान आए हैं
उनको चाहिए था कि हर चीज़ अपनी बनाए। ये सुई तक बाहर से लेते हैं, सुई क्या, सुई से लेकर जहाज तक, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ कहाँ से लेते हैं, हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए था खुद बनाए। अब हिंदुस्तान देख लें, हिंदुस्तान सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ अपनी बना रहा है, हम क्या करें, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से डॉलर, जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास डॉलर बचता नहीं है बाकी पीछे देने के लिए, कर्जा देने के लिए। तो फिर डॉलर साफ जा रहा है, डॉलर महंगा होना है, पेट्रोल तो ऑलरेडी महंगा होना है।